चुनाव प्रक्रिया समाप्त हुआ, मैंने आज नामांकन किया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। कोई दूसरे व्यक्ति के दल में किन्हीं का दूसरा नामांकन नहीं हुआ। निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा मुझको निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन घोषित किया गया। साथियों, आज हमारे दल के तमाम साथी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मेरा प्रयास रहेगा भविष्य में कि स्वर्गीय जो हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उनका सपना था शोषित, दलित, गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत और ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जो समाज में गिरे हुए थे, नीचे तबके में थे, उनको ऊपर उठाने की बात वो सदैव करते थे। और उसी के तहत 28 नवंबर 2020 को उन्होंने लोकतंत्र शक्ति पार्टी का गठन किया। आज तकरीबन 21 वर्ष का हमारी पार्टी हुई और आज मुझे मौका मिला है, आप लोगों का आशीर्वाद मिला है। मेरा प्रयास रहेगा कि भविष्य में जो मैं आज से 4 दिन पहले भी कहा था और मैं तमाम साथियों से आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ कि जो हमारे साथी किसी भी कारणवश हमसे दुखी होके या पार्टी में किसी बड़े नेता से दुखी होके पार्टी छोड़ के चले गए हैं, मैं उनसे अपना आग्रह करता हूँ और माफ़ी मांगता हूँ। और आप तमाम साथियों से मेरा आग्रह है कि सभी लोग पुराने फीस हमारी पार्टी में लौट आए और पार्टी के संगठन को मजबूत करें। पासवान जी बराबर कहते, देखो गरीब और अमीर में यदि लड़ाई हो तो गरीब को साथ देना, औरत और मर्द में लड़ाई हो तो औरत को साथ देना, ये बराबर और बराबर उनका रहता। मुस्लिम अकलियत और हिंदू में लड़ाई हो तो अकलियत को साथ देना, ये उनका नारा था। तो हम लोग की ये विचारधारा है कि हमारी पार्टी जो है आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के तहत हम लोग पार्टी को आगे बढ़ावेंगे। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि आज मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित हुआ हूं, तो मैं आज प्रेस साथियों के माध्यम से मैं पूरे बिहार, पूरे देश की जनता को, खास करके लोकतंत्र शक्ति पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि लोकतंत्र शक्ति पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है, कोई विरोध नहीं है। यदि मतभेद होता, विरोध होता, तो मैं निर्विरोध निर्वाचित नहीं होता। इसलिए हमारे लिए तमाम जितने भी लोग शक्ति पार्टी के, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों, बड़े कार्यकर्ता हों, सांसद हों, विधायक हों, मैं सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूं और मैं इतना विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को कि भविष्य में मैं इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे बढ़ाऊंगा और देश के पैमाने पर इस पार्टी को मैं ले जाऊंगा। धन्यवाद।